नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी डे 4 फिजिकल में कहीं कहीं सेंटर पे तो बहुत अच्छा रहा, सिर्फ 10 से 12 बच्चे फेल हुए, और किसी किसी सेंटर पर बहुत खराब भी माहौल रहा। लेकिन मेन बात अब फिजिकल की नहीं रह गई है, क्योंकि फिजिकल की तो जिसने तैयारी करी है वो उसको पार कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं मेडिकली थोड़ा बहुत अनफिट हूं, या उन सभी बच्चों के लिए भी ये खासकर मैं वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने लगभग 2000 के लगभग मैसेज इंस्टाग्राम पर करे हैं। प्यारे भाई, लगभग 450 मैसेज का मैं रिप्लाई कर चुका हूं, बाकी का भी करूंगा, डोंट वरी। अब इसमें एक दो रह जाता है तो प्लीज उस बात का बुरा ना माने, क्योंकि उसमें मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति, जैसे एक बच्चे ने कहा सर मेरे नौकरी की हल्की प्रॉब्लम है। देखो भाई, कल के उसमें भी देखा होगा आपने, और आज भी जो एक दो दिन पहले फिजिकल हुए उनका आज मेडिकल हुआ है। नौकरी में हल्के से सिस्टम पे भी लड़के को निकाल दिया है। दूसरी बात, कल भी बताया था, आज भी इन्फॉर्म कर देता हूं, ओवरवेट में, जैसे एक बच्चे का वेट था 79 किलोग्राम, यानी 6 किलो वजन ज्यादा था। तो मैंने कल 10 किलो तक बताया था, लेकिन कल मेडिकल में महज 6 किलो वजन पर भी बच्चे को ओवरवेट कर बाहर कर दिया। दूसरी बात, जो पॉइंट मिल रहा है उसके बाद कितना टाइम मिल रहा है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है कि 2 से 3 दिन में आपका दोबारा से वो होना है। एक दो चीज बता देता हूं जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंख हो, नाक हो, कान हो, ये तो फिर भी ये है कि ठीक है, एक बार उन्होंने चेक किया, अगर ओके लग रहा है तो ओके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3-3 बार चेक कर रहे हैं। मेडिकल का प्रोसेस आप समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये बात पैरा भी जानती है कि इतने बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे तो मेरिट बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, फिर इस भर्ती पर सवाल उठ जाएंगे। तो मैक्सिमम बच्चे कहां आउट करने, जो फिजिकल में हो जाएंगे, दैट प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली गोन। लेकिन जो ऑटोमेटिकली गोन प्रोसेस नहीं है, उसमें उनको मेडिकल में बाहर करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देख रहे होंगे भाई, अगर आपका नाम भी मिसमैच है तो आपको दोबारा पॉइंट दे दिया जा रहा है, मतलब आपको बाहर कर दिया जा रहा है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट, जैसे 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर सारे सर्टिफिकेट मौजूद है तो निकाल देंगे, 10th का सर्टिफिकेट तो बहुत क्रूशियल है। दूसरी बात, अगर आपने 31 दिसंबर 2023 के बाद का कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, कोई सा भी नहीं चल रहा भाई, बाहर कर दे रहे हैं। तो मतलब तीनों चारों पोजीशंस पर ये टफ है इस बार प्रोसेस, जो हमको लग रहा था कि ये दिल्ली पुलिस टाइप की हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की। दोस्तों बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की, वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है, आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं, शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, और दोस्तों सामान्य ज्ञान के। कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है, आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए, और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। हर भर्ती अनप्रेडिक्टेबल होती है। दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा, वहां तो क्या था, भर्ती में आधे बच्चे मेडिकल पे बैठे थे और उधर से रिजल्ट आ गया था फाइनल। यहां ऐसा नहीं होगा, अभी इन पर टाइम है, नवंबर तक तो फिजिकल ही चलेगा, बस इन्होंने एक टाइम जोन बनाया है, इस टाइम स्पेन के अंदर इनको मैक्सिमम लोग बाहर करने हैं। अब वो चाहे डीवी में करें, चाहे मेडिकल में करें, आप फिजिकल जबरदस्त करिए भाई, नहा धो के अच्छे से, मैंने कल भी बताया था, अच्छे से जाइए। आपने देखा होगा एक दो बच्चा तो कान के मैल के ऊपर ही उन्होंने पॉइंट दे दिया है। तो ऐसा जो चीज हम अपने आप से सही कर सकते हैं उसमें पॉइंट मत लीजिए। दूसरी बात, आपकी रेस दोपहर में भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, तो दोनों के लिए रेडी रहे। पहली बात, रेस अच्छी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टफ है, मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं भाई मेडिकल में, ठीक है। दूसरी चीज, एक अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो अभी कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना भैया, एफिडेविट भी बनता है, अगर वो हो जाएगा तो अच्छी बात है। और भी कोई इश्यू आ रहा है किसी भी व्यक्ति को, आज एक सेंटर की आज खबर दे देता हूं। मैक्सिमम एक सेंटर पर लगभग 79 लोग प्रेजेंट थे, उनमें से 12 फेल हो गए। अब 79 में से मात्र 12 फेल हुए, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ ही 2 लोग वेट में निकल गए, 3 लोग चेस्ट में निकल गए, क्लियर है। उनमें से पहले ही, तो ध्यान रखना चेस्ट और हाइट पहले ही माफी जा रही है, तो वेट में पहले ही निकल गए बंदे 3। ऐसा कोई भी प्रोसीजर है तो वो पहले ही हो जाएगा, यानी पहले पीएसटी हो रहा है, देन पीईटी के लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अगर पहली बार आ रहे हो अब जीतेंगे पर, तो इसी तरीके से 3-4 मिनट में शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूरे दिन की, मैं एक काम और करा करूंगा, थोड़ा वक्त का तकाजा चल रहा है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया करूंगा और उसमें पूरी लिस्ट डाला करूंगा कि कितने सेंटर पर कितने लोग आज आए थे, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, कितने किस में निकले हैं, ये पेज पर लिखकर, और उसका एक 5 मिनट का शॉर्ट बनाकर मैं डेली अपलोड करूंगा, ठीक है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई आपका प्रश्न है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट है आपको, अच्छे से फिजिकल दीजिए, कोई टेंशन है तो बताना प्यारे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।